चाय के साथ भी और अच्छा लगेगा। आलू परांठा है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये तीसरा परांठा है, ये डीप फ्राई हो रहा है, ये हो चुका है, थोड़ा मटेरियल पतला रखा है इसलिए थोड़ा सा फट रहा है। अब मैं इसको पलटा हूँ 1-2 मिनट के बाद। इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर दिया है फ्लेवर के लिए। ये एक बनी है, थोड़ी सी कच्ची पक्की है, अब दूसरा बनाते हैं, देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में मेरा हमेशा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मैंने अपना स्टोव रेडी कर दिया है, अब इसको डालना है। इसको तय करते हैं, आप देख पा रहे हैं एकदम परफेक्ट शेप में बना है, कंप्लीट बना है तीसरा वाला। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ सपोर्ट करिए, फॉलो करिए पंजाबी फूड ब्लॉग्स स्टॉक्स को। धन्यवाद। ये मैंने डाल दिया तीसरा वाला, ये मैंने सेकंड उतार लिया है, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा, माटी का थोड़ा ज़्यादा पता है कि फ्रेश जब भी बनाता हूँ तो ऐसा ही होता है, एक दिन के बाद बनाऊंगा एकदम सेट हो जाएगा। चाय रेडी हो गई, कुछ डाल के अब खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। और ये मेरी चाय रेडी। अब मैंने इसको पलटा दिया, फिर 3-4 मिनट के लिए इसको डीप फ्राई करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने आटा बना दिया है और ये मेरा मसाला है।